ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिंदगी तो काली हो गई, काश यादें भी काली हो जाती। I wish जब हम साथ थे उस वक्त की सारी यादें फिर से सच हो जाए। ठीक हूँ माँ, परेशान मत होइए। दिख रहा है कितना ठीक है तू। सफेद चद्दर, ये सुनी दीवारें, इस कमरे में तेरी कितनी सारी फोटोग्राफ्स हुआ करती थी, हटाना जरूरी था। 11 कमरे में 11 और मोबाइल में 716। लेकिन उन सारी पिक्चर्स में मैं अकेला नहीं था ना। कमरे की फोटो फ्रेम निकाल दी, मोबाइल की डिलीट कर दी। काश यादों को भी डिलीट करना इतना आसान होता। कमरे की तरह मोबाइल की तरह मैं भी हल्का हो जाता। दिल मान नहीं पा रहा और दिमाग समझ नहीं रहा, ऐसा कैसे कर सकती है मेरे बेटे के साथ। देखिए, मैं जानता हूं आपकी ट्रिक। मुझे परेशान देख के खुद परेशान हो जाती है, ताकि मैं आपको परेशान देख के अपनी परेशानी भूल जाऊं, है ना? अभी हमें हमें दर्द वही दे सकता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कितना प्यार किया उसे तूने, मैंने, उसने क्या किया? मुंह फेर कर चली गई बस ऐसे। हमें सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से होती है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे इस हाल में तुझे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, नफरत हो रही है उससे। शांत हो जाइए। प्यार से भागना आसान नहीं होता, उसकी अपनी वजह रही होगी या नहीं होगी, लेकिन आसान उसके लिए भी नहीं रहा होगा। तेरे थेरेपी का टाइम हो गया ना? हाँ मां, नहीं तो मेरे डॉक्टर साहब सो जाएंगे। बाल बिगाड़ने में मजा नहीं आता ना। सो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपको पता चल गया मैं घर वापस आ गया हूं। सॉरी पहले नहीं आ पाया, वो बर्थडे था ना इसलिए। वैसे आपके साथ सारा प्रैक्टिस किया, वो बहुत काम आया मेरे। एक क्यूट सा छोटा सा बेबी मिला था, उसे इंजेक्शन लगाना था। मैंने करके ऐसे ट्रिक किया उसे, उसे पता भी नहीं चला मैंने कब उसे इंजेक्शन लगाया। ना रोया ना गाया, सिर्फ मुस्कुराया, बिल्कुल डॉक्टर शिवांश बिरला की तरह। है ना मेरा बेबी? Did you miss me? I missed you so much. कैसे मेरा बेबी? How are you? स्माइल बता रही है कितना मिस किया आपने मेरे को। मैं अपने कातिल है तू, कातिल है तू, कातिल है तू, हां कातिल है तू, तू नहीं मारा, तू ही मारा है, तू ही कातिल है। नहीं नहीं भैया, भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सपना था, सब कुछ ठीक है। फिर से वही सपना अंशु। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे फिर भी पकड़ लिया उन्होंने, मुझे सजा देने के लिए पकड़ लिया अंशु। भैया प्लीज आप सांस लीजिए, सब कुछ ठीक है, प्लीज। ब्रीद इन ब्रीद आउट आराम से। भैया
आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मैं आपको छोड़ के इंडिया नहीं जा सकती वापस। नहीं 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 अक्षु, मैं संभालूंगा खुद को। तू जा। कैसे संभालेंगे भैया, अपनी हालत देखिए आपने। सब हो जाएगा अक्षु, तू जा। तो बस ये सोच ले कि इवेंट से पहले अगर मम्मी तुझे मिल गया तो तू क्या करेगी। एक बात बताइए, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम जानते हो ना मेरे पैरों में चक्के लगे हुए हैं। मेरी मम्मी चाहती कि मैं जयपुर जाऊँ, लेकिन मुझे जयपुर नहीं जाना। जयपुर में तू बता क्या करूं मैं, कहीं और जाऊं या जयपुर जाऊं। मम्मी कहती है कि दूरी लंबी होगी या छोटी वो इस बात पर निर्भर करती कि हमारा दिल क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं है। दिल चाहे तो इतनी बड़ी दुनिया एक छोटी सी आंख में सिमट के रह जाती है। अक्षु, अक्षु तूने मंगलसूत्र ही नहीं निकाला। अक्षु तू जयपुर जा, किस्मत ने तुझे जयपुर बुलाया है, कोई तो वजह होगी ना। और मैं प्रे करूंगा कि वो वजह भी मनी हो, तो कम से कम उसे मिलना पाए तो ये पर देख तो ले उसे। तू जा अक्षु, जयपुर जा। मम्मी के भक्त, मम्मी के प्रमोशन के लिए जाता ना मैं जयपुर जाऊं। अच्छा नहीं, कोई और वजह है। किस्मत खेल ही रही है, तू भी खेल ले मेरे साथ। ओके बाबा, जाऊंगा जयपुर ही जाऊंगा। खुश जयपुर। ये रिश्ता क्या कहलाता।